एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना। वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ऑलराइट, आज का हॉल वीडियो हम सभी लोगों के फेवरेट ऐप से होने वाला है, मीशो से। और आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो मेकअप लुक अभी फिलहाल मैंने कर रखा है, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इस हॉल वीडियो में मैं पहले आपको ये वाला मेकअप लुक जो है करके दिखाने वाली हूँ। और मैंने हार्डली 5 to 6 प्रोडक्ट्स हैं जो इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए यूज किए हैं। 5 to 10 मिनट्स में ये मेकअप जो है आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको कहीं पे भी बाहर जाना है, पार्टी में, गेट टुगेदर में या राखी के लिए, और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में मेकअप कर सके, तो डेफिनेटली ये वाला मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कम प्रोडक्ट्स के साथ में और कम टाइम के साथ में। तो चटपट कैसे मेकअप किया जाता है ना, वो मैं आपको आज के हॉल वीडियो में बताने वाली हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए यूज किए हैं, सारे के सारे मेरे फेवरेट ब्रांड से है, गुड वाइफ से। और इस ब्रांड को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं कि गुड वाइफ्स ऑलरेडी काफी ज्यादा रेनाउंड ब्रांड है। और आप गुड वाइफ्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेकअप या ब्यूटी से रिलेटेड, वो आप बाय कर सकते हैं purple.com से। तो चलिए पहले ये इंटरेस्टिंग सा मैं आपको लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ और उसके बाद में हम हमारा इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इस मेकअप लुक को क्रिएट करने से पहले आपको दिखाती थी हूँ कि मेरे कितनी डीप आइजेज हैं और डार्क सर्कल्स भी हैं, और साथ में मेरे फेस पे अगर आप देखेंगे तो एक्ने स्कार्स भी हैं। मुझे बहुत ही मेजर एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्ने मेरे फेस पे हो गए थे 2013 में, तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे ओपन पोर्स और स्कार्स हैं फेस पे। और इनको हाइड करने के लिए मैं सबसे पहले लगा रही हूँ गुड वाइब्स की न्यूली लॉन्च हाइड्रा ग्लो 24K गोल्ड प्राइमर लगा रही हूँ। और ये गुड वाइब्स का सबसे बेस्ट प्राइमर है, सिलिकॉन बेस आपको प्राइमर मिल जाता है। यह आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में, आपकी फाइन लाइंस को ब्लर करने में और साथों साथ आपके मेकअप का जो बेस है उसे बहुत ही अच्छे से फिनिश से सेट करने में हेल्प करता है। और ये आपको ट्यूब फॉर्म में मिलता है, ऊपर ट्यूब पे पंप भी लगा हुआ है, तो जितना नीड है बस उतना ही बाहर निकलेगा, आपका जो प्राइमर है वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अपने डार्क सर्किल को हाइड करने के लिए मैं गुड वाइब्स का हाइड्रा ग्लो लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हूँ। बहुत सारे शेड्स में कंसीलर्स जो है लॉन्च हुए हैं गुड वाइब्स में, डार्कर से लाइटर शेड आपको देखने के लिए मिलेगा, हाइलाइटर शेड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा दिया है गुड वाइब्स के क्या क्या शेड्स लॉन्च हुए कंसीलर में। तो डार्कर शेड से मैं अपने डार्क सर्किल को हाइड कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी आपके अंडर आई को ड्राई नहीं करता है और बहुत अच्छे से डार्क सर्किल को हाइड कर देता है। नेक्स्ट, अब मैं कर रही हूँ फाउंडेशन अप्लाई, वो भी हाइड्रा ग्लो गुड वाइब्स का लिक्विड फाउंडेशन है। रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गुड वाइब्स के, सारे पैराबिन फ्री हैं, एल्कोहल फ्री हैं, मिनरल ऑयल फ्री हैं और नैनो इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं मिलेंगे आपको, ऑयल फ्री आपको मिल जाता है। नेचुरल टू बिल्डेबल कवरेज का फाउंडेशन मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एकदम नॉर्मल मेकअप की, तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाऊंगी, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में अपने बेस को कंप्लीट करूंगी। और जो शेड मैं फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ वो है 138 वॉर्म न्यूड, और मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ बहुत सारी शेड रेंज है लिक्विड फाउंडेशन की जो लॉन्च हुई है गुड वाइब में, और कवरेज बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। मोर देन 8 आवर्स जो फाउंडेशन है ना वो स्टे करता है, इस फाउंडेशन से बेस भी बहुत अच्छा सेट होता है और 8 घंटे से ज़्यादा भी टिकता है, तो डेफिनेटली मस्ट बाय फाउंडेशन है, आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं ओवरऑल आपको आई शेडो, ब्लशर और लिपस्टिक एक ही चीज़ से करके दिखाने वाली हूँ, वो है गुड वाइब्स की हाइड्रा ग्लो क्रीमी लिपस्टिक। इसमें आपको एवोकाडो ऑयल मिल जाता है, विटामिन ई भी आपको इसमें मिल जाता है, बहुत ही टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ब्यूटीफुल मूडी मॉव शेड है। एक्चुअली लिपस्टिक का जो नाम है वही मूडी मॉव है और डेफिनेटली बहुत ही प्यारा शेड है। और अब मैं आपको यहाँ पर इसे लगा के दिखा रही हूँ चीक्स पे भी, और इसी से ही हम अपना जो ब्लश है उसे क्रिएट करेंगे और इसी से ही हम अपना आई शेडो भी क्रिएट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक टच का मैं मेकअप आपको करके दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दीदी के डार्क सर्कल्स तो बहुत ज़्यादा हाइड हुए ही नहीं, तो भाई ये जो लुक हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मैं अपने डार्क सर्कल्स पर फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक मीडियम कवरेज मुझे मिला है, उतना मेरे लिए काफ़ी है सॉफ्ट लुक के लिए। और अब ये ओवरऑल हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा मेकअप, आई शेडो भी लग चुका है, ब्लशर भी लग चुका है, लिपस्टिक भी लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं काजल की तरफ जो हमारी आईज को और ज़्यादा डिफाइन करेगा।
अब काजल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो गुड वाइब्स का इंटेंस ब्लैक हाइड्रा बोल्ड काजल है। रोज हिप सीड्स ऑयल आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। स्मच प्रूफ काजल है, वाटर प्रूफ भी है, वेगन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और मुझे जेट ब्लैक काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसका एक और काम भी है, थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके आप अपनी आईब्रो जो है फिल कर लीजिएगा, जिससे मेकअप जो है वो थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगेगा। और दोनों आईब्रो को फिल करने के बाद में मैं काजल लगा रही हूँ अपनी आंखों में, और सेम काजल जो है उसको एज अ लाइनर भी मैं लगा रही हूँ अपनी आईज़ के ऊपर, और थोड़ा सा स्मच तरीके से लगाऊंगी ताकि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट ना हो। एज अ लाइनर काजल, नीचे जो काजल हमने लगाया है उसे ही मैं बोल्ड करूंगी, और अपना ओवरऑल लुक जो है मैं आपको कंप्लीट करके आप दिखाती हूँ। ज्वेलरी वगैरह भी मैंने वेयर कर ली है, और ये है मेरा आज का फाइनल लुक जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कम प्रोडक्ट्स के साथ में क्रिएट किया है। एंड डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप सभी प्रोडक्ट्स जो है बाय कीजिए पर्पल से, और सेम मेकअप लुक जो है क्रिएट कीजिए, काम का है। चलिए सबसे पहला आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस हॉल का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कुर्ता शरारा सेट है। वो कुछ मैंने 1200 या 1300 रुपए का लिया था मीशो से, और बहुत ही सुंदर है। राखी के लिए अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसे लेके रख सकते हैं, काम का पीस है। इसमें अभी मीशो पे सारे साइजेस अवेलेबल है। मैंने इसे लिया एल साइज में, और कुछ एल साइज मुझे रिसीव हुआ 40 साइज में, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा लूज आ रहा है, इसलिए आप ट्रायल में भी देखेंगे तो मैंने पीछे से क्या इसे टक करके आपको वेयर करके दिखाया है। तो अगर आपकी और मेरी सेम हेल्थ है तो इस पार्टी वेयर कुर्ता शरारा सेट को आप मीडियम में ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं पहले इसका डिजाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेबी पिंक शेड का आपको मिलता है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से नेकलाइन मिल जाती है। प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट है जो आपको स्लीव्स में और ऑल ओवर शॉर्ट कुर्ती में देखने के लिए मिलेगा। स्लीव्स इसकी ऐसी डिजाइन की गई है, यहाँ पे डोरी के साथ में टैसल है, तो इस तरीके से आपको खींचना है तो डिजाइन बन जाएगा, और इस तरीके से आपकी जो स्लीव है वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर बात करती हूँ फ्लेयर की, तो फ्लेयर शॉर्ट कुर्ती में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। ओवरऑल प्रिंटेड आपको इस तरीके से शॉर्ट कुर्ता मिलेगा, बहुत ही लाइट शेड्स का जो यूज है वो किया गया है, और नीचे की तरफ आपको सिल्वर बॉर्डर का डिटेलिंग मिल जाता है, ठीक है। रेयॉन फैब्रिक की क्वालिटी जो है अच्छी है। अगर आप इसमें 1200-1300 रुपए भी लगा रहे हैं तो आपको क्वालिटी फैब्रिक की जो मिल रही है वो अच्छी मिल रही है। और यहाँ पे बैक साइड से भी अगर आपको दिखाऊं तो सेम फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मॉडल का फोटोग्राफ था उससे डिफरेंट आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा। बिल्कुल सेम एज इट इज मुझे लग रहा है कि जो मुझे मिला है वो सेम है, और बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, प्राइस पे कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी मिल रही है। इसके साथ में आपको मिलता है बहुत सुंदर शरारा, बिल्कुल लाइट पेस्टल शेड्स को यूज करके बनाया गया है, और आप ये देखो शरारा बहुत अच्छा है, इलास्टिक बहुत अच्छी है। फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो फ्लेयर भी शरारे में बहुत अच्छा है, और नीचे भी आपको सिल्वर गोटा पट्टी लेस का काम मिलता है, और आप देखो कलर्स बहुत ही ज्यादा सूदिंग शेड्स हैं और बहुत ही प्यारा है। लाइट शेड की ज्वेलरी के साथ में पेयर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा शरारा सेट, या अगर आप चाहे ना तो कुछ भी मत पहनो, छोटू से इयररिंग्स पहन लो, बस एक चेन भी पहन लोगे ना तो भी ओवरऑल सेट जो है इतना अट्रैक्टिव है कि वो ग्रेस देगा ऑटोमेटिकली आपके लुक में, और आप बहुत अच्छे लगेंगे राखी पे। ये देख लेते हैं इसका दुपट्टा जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। आप देखो क्या कलर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर आपको लेस का काम मिल जाता है। बीच में आपको इस तरीके से जरी वर्क के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो दुपट्टे में मिल जाते हैं, और ऑर्गेंजा सिल्क मटेरियल का दुपट्टा है और शानदार क्वालिटी है। तो ये अगर आप चाहें तो डेफिनेटली राखी के लिए लेके रख सकते हैं, काम का पीस है। बस ये याद रखिएगा सेम हेल्थ है तो एल बाय मत करना, अदरवाइज आप ट्रायल में देखो कि कितना ज्यादा लूज है, मैंने पीछे से कितना ज्यादा इसे टाइट कर रखा है, तो मीडियम ट्राई करना है। एक्चुअल जो आपका साइज है ना उससे एक साइज नीचे ही जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और पीस। ये जॉर्जेट मटेरियल का है, इसका फोटोग्राफ भी थंबनेल पे था। ये जब मुझे रिसीव हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा है, ओके है लेकिन पहनने के बाद में अब मैं कहूंगी भाई ये सच में बहुत ज्यादा प्यारा पीस है। देखने पे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अच्छा ही लगेगा पहनने के बाद में, लेकिन अब मैं कहूंगी कि पहनने के बाद, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में, गजब का लुक निकल के आया। इसका कलर बहुत प्यारा है, येलो और ऑरेंज का एक मिक्स शेड है। जॉर्जेट मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, फिट तो कमाल आया मुझे इसका। और इसको मैंने कौन से साइज में लिया मैं बताती हूँ, इसको मैंने एल साइज में पिक किया है मेरे लिए। और इसका फ्रंट लुक पहले मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये भी राखी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इनफैक्ट बहुत रीजनेबल ऑप्शन है। इसे मैंने अंडर 900 रुपीज पे किया है मीशो से और क्लास क्वालिटी है। अच्छा, ये आपको एक लॉन्ग गाउन मिलेगा, साथ में दुपट्टा मिलेगा, बॉटम इसका ये नीचे जो आप पेयर करेंगे क्रीम शेड का पेयर कीजिएगा, और मैंने खुद का बॉटम वेयर किया है, आपको आपका बॉटम वेयर करना होगा। बढ़ते हैं लुक की तरफ, तो यहाँ पे आपको नेकलाइन जो है अंगरखा स्टाइल मिलती है और जरी वर्क के साथ में सीक्वेंस जो है स्टिच किया हुआ है, फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा जॉर्जेट मटेरियल का, जैसा कि मैंने कहा क्वालिटी अच्छा है, और क्रीम शेड से बड़ा बड़ा फ्लोरल प्रिंट है जो आपको मिलता है। बहुत ही प्यारा पीस है। स्लीव्स भी आपको इस तरीके से मिलती है, एकदम ट्रांसपेरेंट, इसमें आपको अस्तर लगा के नहीं दिया गया है, रेस्ट पूरा जो गाउन है उसमें अस्तर मिलेगा। प्लेटेड सेक्शन आप देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर फ्लोरल प्रिंट है इस जॉर्जेट मटेरियल के फैब्रिक के ऊपर, और क्या लग रहा है ये, एकदम बहुत ही प्यारा लॉन्ग गाउन है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आपको इसकी लेंथ जो है गाउन की लंबी आती है तो आप इससे ऑल्टर करा सकते हैं, लेकिन कितनी लेंथ को ऑल्टर कराना है उसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि जो भी सैंडल आप पार्टीज में वेयर करते हैं पहले उसको वेयर कीजिए, फिर इसको ट्रायल कीजिए, फिर आपको लगे कि यार इतना इंच कटा लेना चाहिए, इतना इतना लंबा आ रहा है, फिर उतने ही इंच को ऑल्टर कराइएगा, ठीक है ना, अपने सैंडल के हिसाब से। बैक से अगर मैं बात करूं तो बैक से आप देखिए डोरी के साथ में आपको टैसल मिल जाता है, शोल्डर ड्रॉप ना हो इसलिए, और ये है बैक का लुक भी, बहुत ही प्यारा पीस है। इसका फ्लोरल प्रिंट जो है ना वही सबसे बेस्ट पार्ट है, बहुत 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 प्यारा। अंदर की तरफ इसमें जैसा कि मैंने कहा अस्तर भी लगा के आपको मिल जाता है, यहां पर ये रहा अस्तर, और साथ में आपको मिलता है इसके दुपट्टा, दुपट्टे पे फॉल्स मिरर्स के साथ में आपको मिल जाता है एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग, साथ में समोसा लेस का काम। अंडर 900 रुपीस बहुत अच्छा पीस है राखी के हिसाब से, और इसको सिर्फ एक या दो सेलर मीशो पे सेल कर रहे हैं, इसलिए पसंद आ रहा हो तो फटाफट लेके रख लें। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को एक और अनारकली कुर्ती दिखाती हूँ जो कि पीचिश पिंक शेड में आपको मिलती है। पहला वाला कुर्ता शरारा सेट बेबी पिंक शेड में था और ये पीचिश पिंक शेड में है। ये भी राखी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल है, अंडर 650 रुपीस मैंने इसे पिक किया है, और इतने देखिए कितने बड़े बड़े टैसल्स हैं जो इसमें मिल जाते हैं, तो सो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको कुछ चाहिए राखी के लिए तो इसे ले लो। ये आपको कॉटन मिक्स मटेरियल की मिलेगी, बहुत रिच फैब्रिक है और बहुत ही शाइन है फैब्रिक में, और ये दो शेड्स में अवेलेबल है, एक तो ये पीचिश पिंक शेड में और एक लाइट ग्रीन शेड में, उसका भी कोड मैं दे दूंगी। दोनों शेड्स आप देख लेना मीशो पे, फिर आपको जो आपके लिए पसंद आए आप ऑर्डर प्लेस कर लेना, ठीक है। फैब्रिक कंफर्टेबल है। नेकलाइन की अगर मैं बात करती हूं तो इस तरीके से आपको पीचिश पिंक शेड से पूरी नेकलाइन में फॉल्स मिरर्स को स्टिच करके एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलता है, साथ में आपको सिल्वर समोसा लेस का काम मिलता है। अब आप बिल्कुल क्लियर देखिए कि क्या आपको नेकलाइन में काम मिलेगा, बहुत ही ब्लिंकी नेकलाइन आपको मिल जाती है, वर्क ओवरऑल बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये जो कुर्ती में आप शाइन देख रहे हैं सिल्वर लाइंस, ये फैब्रिक में सेल्फ है तो ये वॉश के बाद में निकलेगा नहीं, यहाँ पे सिल्वर समोसा लेस का काम है, और दोनों तरफ जो भारी भरकम चीज आपको मिलती है वो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि ये है सबसे दमदार चीज, और ये डोरी के साथ में टैसल्स हैं बहुत बड़े बड़े। इतनी अच्छी कुर्ती इतने कम प्राइस में कहाँ मिलती है यार, राखी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और ये है इसका फ्लेयर, आप देखिए फ्लेयर बहुत अच्छा है, फैब्रिक में काफी अच्छा शाइन आपको देखने के लिए मिलता है, और बिल्कुल भी कुर्ती ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर कोई अस्तर नहीं है बट रिक्वायर्ड भी नहीं है। बैक साइड से अगर मैं दिखाऊं तो बैक साइड से भी सेम वही आपको सिल्वर लाइंस का काम मिल जाता है जो कि सेल्फ फैब्रिक में है, तो फेस्टिव वेयर के हिसाब से अच्छी है, शाइनिंग भी है, लुक भी अच्छा है, बड़े बड़े टैसल्स भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, डेफिनेटली वर्थ इट है पैसों के अकॉर्डिंग, तो ले लो, काम आने वाली है और राखी पहनी भी अच्छी भी लगेगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और कुर्ता सेट रेयन मटेरियल का। इसमें मैंने कल परसों में ही अपने वीडियो में ग्रीन शेड दिखाया था, आज मैं आपके लिए येल्लो रिव्यू कर रही हूँ। ये भी सेट बहुत अच्छा है राखी के हिसाब से, ये आपको मेरे ख्याल से अंडर 750 रुपीज मिलता है मीशो पे, और फिलहाल अभी बहुत डिमांड में है और बहुत अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। एक पिंक शेड भी आता है इसमें, आप पिंक और ग्रीन और येलो तीनों शेड्स में से जो आपके लिए पिक करना चाहे डेफिनेटली कर सकते हैं। नेकलाइन की बात करती हूँ तो नेकलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरी नेकलाइन में आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाता है, साथ में आपको क्रोशिया का लेस का काम मिलता है और जरी वर्क मिलता है। ये जो कुर्ता सेट है इसे मैंने अपने लिए एल साइज में ही पिक किया है और मुझे इसका फिट जो है काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे बात करते हैं प्रिंट की, तो कुछ इस तरीके से आपको लाइट येलो शेड का प्रिंट मिलेगा। यहाँ पे येलो क्रोशिया लेस का काम मिल जाता है। फैब्रिक इसका बहुत रिच है और सेंटर में भी आपको इस तरीके से येलो प्रिंट मिलेगा। लास्ट में आपको येलो क्रोशिया लेस मिल जाता है। ये जितना ग्रीन में अच्छा लग रहा था उतना ही येलो में अच्छा लग रहा है, एंड आई एम 100% श्योर कि ये पिंक में भी उतना सुंदर लगेगा। तो मैं भी कंफ्यूज थी, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप देखो पिंक भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और बैक साइड से भी आपको सूट का सेम प्रिंट देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट टू एंड तक। येलो शेड का है, लाइट शेड का है, बट ट्रांसपेरेंट नहीं है 1% भी। एक्स्ट्रा इनर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और रेयन मटेरियल का ही आपको बॉटम मिलने वाला है। इलास्टिक अच्छी है और इसके बॉटम में भी यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोशिया का लेस। बहुत स्मार्ट पीस है। इसका दुपट्टा तो खतरनाक है, बहुत ही सुंदर डबल शेड का आपको दुपट्टा मिलता है। साइड में आपको सिल्वर गोटा पट्टी लेस का काम मिल जाता है, ठीक है। तो अंडर 750 मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो इसको सेमी पार्टी वेयर सेट है तो गेट टुगेदर्स के लिए भी रख सकते हैं, पूजा के लिए भी रख सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा चाहे तो राखी में भी पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पीस जो मैं आपको दिखा रही हूं वो है क्लोसिया ब्रांड का, ठीक है। और ये मीशो पे भी ब्रांड अवेलेबल है और ये आपको ब्रांड अमेजोन पे भी मिल जाता है। फिलहाल मीशो पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आपको अगर इसे बाय करना हो तो अमेजोन का लिंक मैंने दिया है उससे बाय कीजिएगा। मीशो में 2-3 साइजेस ही बचे थे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इनफैक्ट बीच में अमेजोन पे भी फुल्ली आउट ऑफ स्टॉक था क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है कुर्ता सेट, बट अभी सारे साइजेस में अवेलेबल हुआ है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सही है, कॉटन रेयन ब्लेंडेड मटेरियल का है और कमाल का सटल डिजाइन और सटल प्रिंट आपको मिलेगा। ये सेट मैंने एल साइज में अपने लिए लिया है, लूज है, सेम हेल्थ हो तो मीडियम लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है इसका बहुत ही सुंदर सा वी नेकलाइन। प्रिंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखिए कितना शानदार और कितना सटल प्रिंट है जो आपको कुर्ता सेट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ बॉर्डर का डिटेलिंग है, डिमांड में चल रहा है ये सेट, बहुत ही ज्यादा डिमांड में। इसके रिव्यूज बहुत प्यारे आपको देखने के लिए मिलेंगे मीशो पे भी और अमेजोन पे भी, ठीक है। बैक साइड से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम प्रिंट आपको मिल जाता है और फैब्रिक एक्सट्रीमली रिच है क्योंकि ब्रांड ही अपने आप में बहुत अच्छा है, तो फैब्रिक तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही मिलने वाला है। दुपट्टा इसका मिलता है आपको कॉटन मटेरियल का, ये आप देखिए दुपट्टे में आपको कितना सुंदर बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है। और इस तरीके से दुपट्टे में आपको प्रिंट मिल जाता है। दुपट्टे का लंबाई चौड़ाई सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सेट एक्सट्रीम रीजनेबल है। इस सेट को मैंने अंडर 800 रुपीज पे किया है और ये पूरा पैसा वसूल सेट है, पूरा का पूरा। इसका बॉटम मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे उठाया था, क्योंकि बॉटम आप देखिए सलवार टाइप इस तरीके से स्टिच किया गया है नीचे की तरफ, बहुत ही सही इसका डिजाइन है। प्लाजो वगैरह पैंट वगैरह तो अभी कॉमन ही है, लेकिन ये पूरा सलवार स्टाइल स्टिच आपको मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा फिट आ रहा है इसका और आपको इलास्टिक लगा के मिलता है। ये फैब्रिक सुपर सॉफ्ट है, डिजाइन भी बहुत ज्यादा रिच है, डेफिनेटली वर्थ इट है, लेके देखिए आपको पसंद आएगा। ऑफिस के हिसाब से तो सबसे बेस्ट पीस है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, इस कुर्ता सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया अमेजोन से, ये तो मैंने लिया ही अमेजोन से है, ठीक है। और ये मॉडल की फोटोग्राफ में काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यार उठा लेते हैं, क्या पता कुछ लोगों को पसंद भी आ जाए। ये रेयन मटेरियल का है, इसमें भी पूरा का पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाता है। हालांकि फोटोग्राफ में जब मैंने देखा था ना, तो फोटोग्राफ में क्या है ना, सूट जो था थोड़ा डार्क शेड का था एंड आई थॉट कि ये जॉर्जेट मटेरियल का आएगा, बट रिसीव मुझे रेयन मटेरियल का हुआ है। काफी ब्राइट प्रिंट है तो आप देखिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। इसकी नेकलाइन पे भी अगर आप देखेंगे ना तो सीक्वेंस जो है स्टिच किया गया है और इस तरीके से आपको पूरा ब्राइट ब्राइट फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा ब्राइट शेड हो गया, लेकिन स्टिल मैं दिखा रही हूँ कि क्या पता कुछ लोगों को पसंद आ भी जाए और वो लेना भी चाहे, तो आप इसे अमेजोन से पिक कर सकते हैं। ये भी मैंने अंडर 800 रुपीज ही बाय किया है अमेजोन से। इसका स्लिट जो है आपको काफी अच्छा खासा लंबा देखने के लिए मिलता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बैक में भी सेम फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है। फैब्रिक क्वालिटी तो अच्छी है, बस जो प्रिंट है वो काफी ज्यादा ब्राइट है लेकिन ओवरऑल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। फैब्रिक रेयन मटेरियल जो है काफी अच्छा खासा मोटा वाला है।
साथ में आपको मिलता है बॉटम जो कि आपको मिलता है डार्क ब्लू शेड का और इसमें आपको इलास्टिक है। बाय करते हैं तो फायदा ये है कि वन सिंगल शेड का बॉटम है तो किसी और भी कुर्ती के साथ में पेयर हो सकता है और इसका भी रेयन मटेरियल का क्वालिटी काफी अच्छा है। चलिए लास्ट जो है वो इस हॉल की सबसे रीजनेबल कुर्ती है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी कि इस रिव्यू करूं और ये आपको प्योर कॉटन मटेरियल की मिलती है। नो डाउट बहुत अच्छी है, इसके भी रिव्यूज मीशो पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कलर कॉम्बिनेशन इसका भी एकदम कमाल है, काफी खिला खिला इसका भी कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये भी थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट ही बट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। यहाँ पे देखते हैं इसकी स्लीव्स, यहाँ आप देखिए कितना बड़ा क्रोशिया का लेस है जो इसमें लगाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, कॉटन मटेरियल का क्वालिटी अच्छा है और ये कुर्ती अंडर 450 मैंने पिक की है जिसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत अच्छा कपड़ा मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर में भी पॉम्पम की डिटेलिंग है, क्रोशिया का लेस का काम है नेकलाइन में और पूरा इस तरीके से आपको ये प्रिंटेड कुर्ता मिलता है। रिव्यूज के बेसिस पे ही मैंने इसे पिक किया है। नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इतना ह्यूज आपको बॉर्डर मिल जाता है, फ्लोरल प्रिंट सभी मैं देख रही हूँ सब तरफ छाए हुए हैं। आधे से ज्यादा सेलर जो है फ्लोरल प्रिंट के ही कुर्ती इस कुर्ता सेट मार्केट में लेके आ रहे हैं क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है बाहर का। और साथों साथ अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो जरी वर्क का काम सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा अभी क्योंकि राखी आ रही है तो जरी वर्क एम्ब्रॉयडर्ड वर्क ही सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। सो ये है आज का मेरा इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो एंड आई रियली होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चलिए कल मिलते हैं नए हॉल वीडियो में नए कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।